Hey friends, welcome to Be Alive. I am Anurag, Rishi, a transformational speaker, human potential trainer, a counselor, and your friend. मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मिस्टर लोकेश नेवट और कुछ दिन पहले हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे सेल्स को लेकर. बहुत सी अच्छी बहुत सी सुंदर बातें निकल कर आई और मेरा मन हुआ कि ये सब बातें आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि सेल्स एक बहुत बड़ा आर्ट है. और अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ मार्केटिंग सेल्स या बिजनेस से रिलेटेड है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सेल्स की जरूरत एक हाउसवाइफ से लेकर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को भी है. सेल्स की जरूरत एक स्टूडेंट से लेकर के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को भी है. और सेल्स की जरूरत एक सेल्फ एम्प्लॉयड से लेकर के एक आम इंसान को भी है. आप देखो, जितने भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस, लीडर्स या जो लोग वोट मांगने हमारे पास आते हैं, आप देखो ये लोग ग्रेट सेल्स पर्सन हैं. आप जितने भी सक्सेसफुल लॉयर्स को देखोगे, आप देखोगे कि उनमें कहीं ना कहीं सेल्स की मास्टरी है. आप जितने भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस गुरुज को, लीडर्स को देखोगे, वो भी कहीं ना कहीं बेहतरीन सेल्स पर्सन है. हर इंसान जो कामयाब है, चाहे बिजनेस में चाहे किसी भी एरिया में, वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सेल्स पर्सन है. और ये सेल्स हमारी जिंदगी के हर एरिया में, हर एस्पेक्ट में जरूरी है. और आज सेल्स का मेरा मतलब सिर्फ बेचने से नहीं है. आज सेल्स के हर एस्पेक्ट को मैं क्लियर करूंगा कि सेल्स का रियल मीनिंग क्या है और हम क्यों सेल्स नहीं कर पाते और किस चीज को ओवरकम करके हम सेल्स में परांगत हो सकते हैं, बेहतरीन हो सकते हैं, स्टुपेंडस हो सकते हैं. सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि आज अगर हमने इस साइंस को समझ लिया तो यह हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा. और आप कहोगे कि हाँ, सच में ये सेल्स हमारी जिंदगी के हर एरिया में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर सबसे जरूरी चीजों में से एक है. देखो, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसमें सेल्स के पूरे गुण होते हैं. आप देखो, एक छोटा सा बच्चा कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेता है कि मुझे मार्केट से ये पर्टिकुलर चीज या टॉय या खिलौना खरीदना ही है. उसके पेरेंट्स के लाख मना करने के बावजूद भी वो उन्हें कन्विंस कर लेता है और वो उस बच्चे को वो चीज दिलवाते हैं. अब चाहे वो कन्विंस इमोशनल ग्राउंड पे किया गया हो, किसी लॉजिकल ग्राउंड पे किया गया हो, लेकिन ऑल एंड ऑल ये सेल्स ही है. ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है जो बचपन में हम सब में मौजूद होती है. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ये चीज भूल जाते हैं, क्योंकि हमें जिद करना बंद करने को कहा जाता है. बहुत सी चीजें कही जाती हैं जो हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में छोड़ते जाते हैं. और जब हम इन्हें छोड़ते जाते हैं तो हम सेल्स यानी बेचना भी सीखना बंद कर देते हैं. अगर जिंदगी के किसी भी एरिया में हमें कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो बेचना सीखना पड़ेगा. आपको एक ट्रू फैक्ट बताता हूं कि जिस दिन कोई भी इंसान बेचने में कामयाब हो जाता है, उस दिन वो कुछ भी खरीदने में कामयाब हो जाता है. आप कहोगे ये क्या बात हुई. मैं आपको समझाता हूं कि ये हमें समझना होगा कि हम जितना बेच सकते हैं हम उतना ही खरीद सकते हैं. जैसे अगर सपोज करो आपको 100 रुपए का कुछ खरीदना है, तो 100 रुपए का कुछ आप तब खरीद पाओगे जब आपने 100 रुपए में कुछ बेचा है. नहीं, अगर आप सेल्स वाले नहीं हो तो भी, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपका कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे आप टीचर हो, चाहे आपने अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन बना रखा है, कुछ भी अगर आप जॉब करते हो तो भी आप अपना समय वहां पर, अपना टाइम वहां पर बेच रहे हो. अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, आप गिटार बजाते हो तो आप गिटार बजाकर अपने टैलेंट को सेल कर रहे हो. आप जितना बेच पाओगे उतना ही खरीद पाओगे. हम जिंदगी में ये कभी भी रियलाइज नहीं करते कि हमें जितनी बड़ी चीजें खरीदनी है क्या हम उतना बड़ा कुछ बेच पा रहे हैं. मैंने एक वीडियो बनाया था कि ब्रांड बन जाओ या बैंड बजवाओ. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसको जरूर देखना. पैसे आपके टैलेंट के मिलते हैं, आपके स्किल के मिलते हैं. क्या आप कुछ बेहतरीन बेच पा रहे हैं, चाहे आपकी स्किल हो, चाहे आपका समय हो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो या कुछ भी. जब तक हम बड़ा बेच नहीं पाएंगे, हम कुछ बड़ा खरीद भी नहीं पाएंगे. आप यहां तक कि देखो, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, भुखमरी है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है. उसका सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर कुछ हो नहीं रहा, वहां पर बहुत चीजें हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो कुछ बेच नहीं पा रहे. या तो वो अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो क्या बेच सकते हैं, और अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है उसके बावजूद भी वो बेच नहीं पा रहे दूसरे देशों को अपना प्रोडक्ट. और यहां तक कि आप कुछ ऐसे कंट्रीज को देखोगे क्यों कामयाब हैं, क्योंकि वो बेचने में कामयाब हैं, क्योंकि वो सेल्स में कामयाब हैं. ये जो बेचने का हुनर है, आप देखो बहुत से लोग, बहुत से गरीब लोग आप ऐसे देखोगे जिनके पास टैलेंट, जिनके पास हुनर, जिनके पास पैशन. मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं टीवी रियलिटी शोज में आते हैं, टैलेंट शोज में आते हैं. उनका टैलेंट आप देखो, आप हैरान रह जाओगे. आप कहोगे ऐसा टैलेंट, माय गुडनेस,
कभी भी कोई इंसान गरीब के घर में पैदा होने से गरीब नहीं होता। धीरू भाई अंबानी गरीब के घर में पैदा हुए थे, लेकिन आज वो उनकी फैमिली उनका परिवार हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में आता है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, क्या वो अमीर के घर में पैदा हुए थे? बिल्कुल भी नहीं। गरीब किसी गरीब के घर में पैदा होने से गरीब नहीं है। गरीब आज इसलिए गरीब है क्योंकि वो जो टैलेंट उसके पास है वो उसको बेच नहीं पा रहा, या तो वो अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या उसको बेच नहीं पा रहे। कहते हैं राइट प्लेटफॉर्म और राइट अपॉर्चुनिटी भी उसी इंसान को मिलती है जो अपनी स्किल से, जो अपने टैलेंट से लोगों को इंप्रेस करना जानता है। मैं ऐसे बहुत से सिंगल लोगों से मिला हूं जो टैलेंटेड भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन वो आज तक भी अपने पसंद की ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय से नहीं मिल सके हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो इंसान अच्छे नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को प्रेजेंट करने की एक बहुत बड़ी कमी रही, यानी कि सेल्स की बहुत बड़ी कमी रही। अपनी ड्रीम गर्ल को पा लेना भी किसी सेल से कम नहीं है, उसको कन्विंस करना भी किसी सेल से कम नहीं है, फिर उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना भी किसी सेल से कम नहीं है। जो सक्सेसफुली लव मैरिज कर लेते हैं वो सबसे बड़े सेल्स पर्सन हैं। वो चाहे तो अपनी जिंदगी में कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने कन्विंस किया है, वो कन्विंसिंग पावर एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो जब ये सेल्स इतनी ज्यादा जरूरी है, जिंदगी के हर फील्ड में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो लोग क्यों नहीं इसमें एक्सपर्टीज हासिल करते, लोग क्यों नहीं एक्सपर्ट हो जाते? आज मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में लोग सेल्स से नहीं डरते, एक्चुअल में जो सेल्स के पीछे सबसे बड़ा डर है वो डर है रिजेक्शन का, वो डर है लोगों को फेस करने का, और वो डर है किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का। लोग सेल्स से नहीं घबरा रहे हैं, लोग रिजेक्शन के डर से घबरा रहे हैं कि अगर मैं किसी के पास जाऊंगा उसने मना कर दिया तो। बहुत से लोग अपनी ड्रीम गर्ल को इसीलिए प्रपोज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, अगर मना कर दिया तो। मना कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, सच्चे इंसान हो और असली में किसी से प्यार करते हो तो आप दोबारा प्रयास करो, तीन बार प्रयास करो, रिजेक्शन के डर से नहीं घबराना। और यही जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में होता है कि लोग सेल से नहीं घबरा रहे, लोग आगे बढ़ने से नहीं घबरा रहे। हर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग रिजेक्शन से घबरा रहे हैं कि लोगों ने मना कर दिया तो। अच्छा, आप देखो फिर लोग अपनी ईगो पर भी इस बात को ले जाते हैं कि हम थोड़ा सेल्स करेंगे, हम तो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं। अरे जो सेल्स करते हैं वो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, सबसे रिचेस्ट लोग सेल्स करते हैं, सबसे सक्सेसफुल लोग सेल्स करते हैं। और अगर आप सेल्स नहीं कर रहे और ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे या अगर किसी ने मुझे मना कर दिया तो, एक सेल्समैन कई दरवाजों पर जाता है अपना प्रोडक्ट लेकर, अपना सामान लेकर, और लोग उसके मुंह पर बहुत बार दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन वो इससे कुछ सीखता है, आगे बढ़ता है और दूसरे लोगों को अप्रोच करता है। आप ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को देखेंगे कि जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। आप स्टीव जॉब्स को तो जानते ही होंगे, ऑब्वियसली स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। एप्पल का फोन, एप्पल का लैपटॉप हर इंसान रखना चाहता है, सब पूरी दुनिया उसकी फैन है, लेकिन उसके पीछे जो इंसान थे स्टीव जॉब्स, आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स ने वो सॉफ्टवेयर नहीं डिजाइन किए, स्टीव जॉब्स ने वो फोन नहीं बनाया, स्टीव जॉब्स वॉज अ सेल्स गाय, स्टीव जॉब्स बेचने में महारत हासिल रखते थे। बिल गेट्स इस दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी है, बिल गेट्स ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन खुद नहीं किया था। यहां तक कि अगर आप जानते होंगे जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने सेल किया था वो था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस, माइक्रोसॉफ्ट डोस, वो उन्होंने किसी दूसरे से $50,000 में खरीदा था और उसे आगे बेचा था। बिल गेट्स ने विंडोज नहीं डिजाइन किया, बिल गेट्स एक बेहतरीन सेल्स पर्सन है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को उठाकर देख लो वो सभी बेहतरीन सेल्स पर्सन है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है वो रिजेक्शन से नहीं घबराए, रिजेक्शन से नहीं डरे, क्योंकि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा। रिजेक्शन का भी एक प्रोसेस है, आपको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना होगा, फिर उसको करेक्ट करना होगा और फिर एक्ट करना होगा। रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद उसमें करेक्शन और फिर राइट एक्शन आपको जिंदगी में किसी भी कामयाबी तक लेकर जा सकता है। आप देखो इस सदी का महानायक, बॉलीवुड का सुपरस्टार जिन्हें हम कहते हैं अमिताभ बच्चन, वो सबसे पहली जॉब पर जब गए थे किसी रेडियो चैनल के अंदर, वहां से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था ये बोल करके कि इस इंसान की आवाज बहुत भारी है, मैस्कुलिन है, मैनली है, ये रेडियो पर नहीं चलेगी। और आज उस इंसान ने पूरे बॉलीवुड को रूल कर रखा है। आप देखो अरिजीत सिंह जो आज बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं, उस अरिजीत सिंह को एक रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। वो रिजेक्शन में उन्होंने करेक्शन किया, फिर राइट एक्शन लिया, और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अरिजीत सिंह से बड़ा सिंगर इस समय कोई नहीं है।
आप सब कपिल शर्मा को तो जानते ही होंगे। कपिल शर्मा इस समय कॉमेडी के बेताज बादशाह हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कपिल शर्मा जब सबसे पहले लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन में आए थे, उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था। जितने भी सक्सेसफुल, ये तो मैंने 3-4 बताए, आप सैकड़ों सक्सेसफुल लोगों को रिसर्च करके देखो, आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुए थे। रिजेक्ट क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने लोगों को फेस किया, उन्होंने किसी ना किसी को फेस किया अपनी जिंदगी में। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप रिजेक्ट होते रहेंगे तो आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। मैंने आपको एक मंत्र दिया है, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है। रिजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, फिर उसको करेक्ट करना है और फिर एक्ट करना है। तो समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग सेल से नहीं घबराते हैं, ज्यादातर लोग रिजेक्शन के डर से घबराते हैं, कि लोग मना ना कर दें इस डर से घबराते हैं। लेकिन यह डर, अब आप कहोगे कि इसका कोई मंत्रा बताओ कि कैसे इस डर पर काबू पाया जाए। सिर्फ इस डर पर नहीं, दुनिया के किसी भी डर पर काबू पाने का सबसे बड़ा तरीका है उसका सामना करना। आप रिजेक्शन से जितना डरेंगे ये डर आपको उतना डराएगा। और इसको ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रिजेक्शन को फेस करें, आप लोगों को फेस करें, आप ये समझ करके फेस करें कि मैं अपना काम कर रहा हूं और सामने वाले को अपना काम करना है। मैं अपना काम पूरे बेहतरीन तरीके से करूंगा, चाहे कोई मुझे रिजेक्ट करे चाहे कोई मुझे एक्सेप्ट करे। और अगर कोई रिजेक्ट करता है, जिस किसी ने रिजेक्ट किया है, जिस बात पर रिजेक्ट किया, उससे कारण पूछो। और अगर वो कारण जायज है तो उस पर और मेहनत करो, उसमें करेक्शन लेकर आओ, उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आओ, और फिर आप देखना कि कैसे कामयाबी आपके कदम नहीं चूमती। सेलिंग के बारे में मैंने और मेरे फ्रेंड लोकेश ने जितना भी डिस्कस किया, उसमें सबसे ज्यादा यही चीजें निकल कर आई कि लोग सेलिंग के खिलाफ नहीं है बल्कि लोग रिजेक्शन से डरते हैं। वो ये नहीं जानते कि दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं वो सभी पर्याप्त रिजेक्शन फेल करके कामयाब बने हैं। तो अगर हम जिंदगी में रिजेक्शन को फेस नहीं कर रहे, कितनी बार आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ना सुना है, ये काउंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके मुंह पर कितने लोगों ने दरवाजा बंद किया है, कितनी बार आपको ना बोला है। जितनी बार ना बोलेंगे आप, उतनी बार अपने आप को बेहतरीन बनाओ, उतनी बार अपने आप में इंप्रूवमेंट करो। और इस रिजेक्शन से मत भागो। आप देखोगे जो लोग रिजेक्शन से नहीं भागते, कामयाबी उनके पीछे भागती है, और जो रिजेक्शन से भागते हैं, कामयाबी भी उनसे दूर भागना शुरू कर देती है। पर्याप्त मात्रा में रिजेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है कि हमारी एजुकेशन स्कूल कॉलेज में खत्म हो गई, नहीं, वहां से एजुकेशन शुरू हुई थी, वहां से शिक्षा की शुरुआत हुई थी। लेकिन असली शिक्षा, रियल लर्निंग, रियल लाइफ एजुकेशन लोगों को फेस करने में, एक्सपीरियंस लेने में और रिजेक्शन में छुपी है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में रिजेक्ट नहीं हुए तो आपने सही मायने में जिंदगी की असली एजुकेशन का मजा नहीं उठाया। हर रेसिपी के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बिना इंग्रेडिएंट्स के वो रेसिपी कभी कंप्लीट नहीं होती। उसी तरह सक्सेस की रेसिपी का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट सेल्स है, और सेल्स के पीछे जो डर है रिजेक्शन का, जब तक आप उसको फेस नहीं करेंगे तब तक इस रेसिपी में फ्लेवर नहीं आएगा, तब तक इसमें खुशबू नहीं आएगी, स्वाद नहीं आएगा और बेहतरीन आनंद नहीं आएगा। मेरा एक छोटा सा मकसद है और छोटा सा प्रयास है कि हर इंसान को उसके रिजेक्शन के डर से जीतना सिखाना है। सेल सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे के बहुत से और स्टेप्स भी हैं जो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। और इस प्रयास में आप सब मेरा साथ दे सकते हैं, इस मैसेज को शेयर करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि बहुत से लोग जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और वो सिर्फ इसलिए घर से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि वो लोगों को फेस करने से डरते हैं। इस प्रयास में आप सब लोग मेरा साथ दीजिए, और अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे मालूम चल सके कि कितने लोगों तक सही मायने में मैं अपने इस मैसेज को पहुंचा पाया। तो बहुत जल्दी मिलते हैं ढेर सारी और ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस के साथ जो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेटरमेंट ला पाए। विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।